है, आपको वन टैप करेंगे ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं सेल्फ बटन दे रखा है, वन टैप स्टार्ट करेंगे और वेलकम वे में आपको TFT डिस्प्ले सुना देते हैं। सो है गाइस, आपके सामने जो स्कूटर प्रेजेंट है ये चेतक, जो कि बजाज ब्रांड का स्कूटर है और स्कूटर के बारे में हम लोग फुल रिव्यू करने जा रहे हैं और सारी जो क्वालिटी है इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि इस जो ये स्कूटर है इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इसमें आपको जो वेरिएंट है वो तीन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वेरिएंट 2901, फिर सेकंड आपको वेरिएंट जो देखने मिलता है वो है अर्बन और थर्ड आपको देखने मिलेगा प्रीमियम। तो आपके सामने जो चेतक प्रेजेंट है ये प्रीमियम प्रेजेंट है और यानी कि टॉप। क्या फीचर्स हैं, क्या मतलब अदर जो जो दो लो हैं उनका क्या उनसे फ़र्क है, आपको सब कुछ इसी वीडियो मिल जाएगा। तो हमें हमारा ये वीडियो कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे वो है पूरी भैया, जो कि यहाँ के शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, हमें इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। हेलो पूरी भैया, क्या हमें आप इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसमें कितने कलर्स अवेलेबल होते हैं, आप कुछ बताएंगे इस गाड़ी के बारे में? ये आपका चेतक आपका प्रीमियम रहेगा मॉडल जी, और इसमें आपको मिल जाएगा टोटल तीन कलर मिल जाएंगे आपको जी इसमें प्रीमियम में। आपको कलर के नाम क्या रहेंगे इसमें? आपका कलर का नाम रहेगा आपका हेजलनट रहेगा, आपका इंडिगो मेटालिक ब्लू रहेगा आपका, और ब्रुकलिन ब्लैक रहेगा। अच्छा जी, और इसमें जो वेरिएंट जैसे मैंने बता दिया तीन वेरिएंट आता है, ऐसा सही है? जी बिल्कुल, आपका पहले आपका टॉप मॉडल आता है आपका चेतक तो प्रीमियम आता है आपका, फिर आपको जो दूसरा मॉडल मिलेगा वो आपको मिलेगा चेतक अर्बन, और थर्ड मॉडल आपका जो आता है बेस मॉडल है आपका वो आपका रहेगा 29.01। क्या आप मुझे आप इसकी की देंगे, जरा दिखा दें अपने दर्शकों को कि कैसी इसकी की है? जी बिल्कुल, मैं आपको इसकी टॉप की दिखा देता हूँ। तो मैं आपको जैसे बता दूं इस स्कूटर का जो की हमें देखने मिलता है इसका फॉग की इसका नाम है, जो कि स्मार्ट की कह सकते हैं। जो आपको प्रीमियम में ना यही फ़र्क है कि आपको पहला तो ये फ़र्क मिल जाएगा कि आपको इसमें स्मार्ट की देखने मिल जाती है, अदर जो कीज आती है उसमें नॉर्मल देखने को मिलेगी। तो ये स्टार्ट कैसे होगी, सबसे पहले से हमें लॉन्ग प्रेस करेंगे, जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे आप देख पा रहे होंगे ब्लिंक किया था, ठीक है। ब्लिंक करने के बाद इधर आ जाएंगे हम, यहाँ पे इसका जो यहाँ पे सेल्फ बटन दे रखा है वन टैप स्टार्ट करेंगे और वेलकम वे में आपको TFT डिस्प्ले आपको कलरफुल में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से वेलकम चेतक आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरीके से। भैया कुछ आप इस स्कूटर के बारे में फीचर्स के बारे में बता दें कि क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है चेतक में। आपको पहले बात तो प्रीमियम में आपको नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है आपको, ये नेविगेशन में? हाँ जी, नेविगेशन सिस्टम रह जाता है आपको। दूसरी चीज़ को आपको अगर इसमें साउंड वगैरह का आपका रहता है, म्यूजिक वगैरह कंट्रोलिंग का रहता है, तो आप इसमें म्यूजिक कनेक्टिविटी भी आपकी रहती है आपको इसमें कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आपका इसमें हिल होल्ड असिस्टेंट आपको दे रखा है, जिसके लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आप इसके द्वारा आप उसको जैसे डिस्प्ले है आपकी, आप डिस्प्ले कनेक्टिविटी आपको करनी है तो आपका जैसे मोड्स वगैरह भी यहाँ पे आपको दे रखे हैं कई सारे, आप सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शनल आपके, जैसे आपको मैं सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ तो आपके जैसे मोड्स वगैरह आप दे सकते हो यहाँ पे। तो आपको जैसे यहाँ पे टेक्नो आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाती है, तो दूसरा मोड अगर आपको सिलेक्ट करना है आप यहाँ से प्लानो मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके डिस्प्ले यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ब्राइटनेस वगैरह की कंट्रोलिंग आपकी दे रखी है, अगर आप ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करना चाहते हैं तो ब्राइटनेस वगैरह अपने हिसाब से आप दे सकते हैं, ये ब्राइटनेस वगैरह डिस्प्ले कंट्रोल कर सकते हो आप। आपका यहाँ पे बैक वगैरह का बटन दे रखा है, यहाँ से बैक करिए फिर आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपकी इसी में मेंशन कर रखी है, आप देख सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जानना है कि कैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है, तो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसको लिंक मिल जाएगा कि कैसे कनेक्ट होता है, वो एक अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा, हालांकि वरना फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। आगे भैया ब्लूटूथ के अलावा आप अगर दो फीचर्स बता दें ब्लूटूथ के, अगर आपको व्हीकल की इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी रहेगी वो हम आपको वीडियो में हालांकि बताते रहेंगे, हालांकि आप देखना चाहें तो आपकी स्कूटी वगैरह में मेंशन सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाती है कि आपका जैसे कनेक्टिविटी आपकी जो सर्विस रहती है वैसे आपको पता करना पड़ता है शोरूम पर जाके, यहाँ आपका जो ड्यू रहेगी या फिर नेट जो सर्विस रहेगी आपकी वो ऑलरेडी इस पर मेंशन होगी कि कितने टाइम ड्यूरेशन पे रहना है, आपका जो क्लोजेस्ट आपका शोरूम है तो वो आप जान सकते हैं कि यहाँ से नियरेस्ट कौन सा आपका शोरूम है जहाँ पे आप चेतक की सर्विस करवा सकते हैं, ठीक है। और आपको व्हीकल की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि लास्ट टाइम आपने सर्विस कितने टाइम पहले करवाई है, आपकी इसके बाद जो सर्विस होनी है वो कब होनी है, बैटरी की कंडीशन आपकी क्या है, वो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। और आपने किस टाइम पीरियड में आपने कितना स्कूटर यूज़ करा है, करंट में आपका कहाँ पे स्कूटर वर्क कर रहा है और आपका स्कूटर कौन चला रहा है, सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें आपको इसमें कंट्रोलिंग के साथ मिलती हैं। सो गाइस अब हम लोग
डैशबोर्ड के बारे में ओपन बात करने जा रहे हैं कि ये कैसे ओपन होगा और ये इसका जो सीट लॉकेज है ये कैसे ओपन होता है। तो इससे पहले मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे आपको एक की फंक्शन है, आपको वन टैप करेंगे ऑटोमेटिक आपका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जा रहे हैं, यहाँ आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट ये पोर्टेबल चार्जिंग पोर्ट में देखने को मिल जा रहा है जो कि आप यहां से मोबाइल अपना चार्ज कर सकते हो। इधर साइड में अगर आपका केबल बड़ा होगा यहां पे आपको एक ये स्पेस मिल जाएगा, यहां फ़ोन भी रख सकते हो। एक एक अच्छा यहां पे आपको फीचर देखने को मिलता है, यहां पे आपको टूल बॉक्स का यहां ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहां पे आपको यहां पे कुछ मिल जाएंगे इस तरीके से टूल बॉक्स, और यहां पे आपको फर्स्ट एड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक एक यहां पे बेहतरीन फीचर्स आपको चेतक में देखने को मिलेगा जो कि प्रीमियम है, और एक वन टैप आप ऐसे नॉर्मली बंद करेंगे और बंद हो जाएगा। अब अगर आपको ये सीट वाला ओपन करना है इसमें भी आपको लॉन्ग प्रेस बस इसको करना है उसी की को, और ये आपका ओपन हो गया। यहाँ पे साउंड आएगा, बीट होगा, ठीक है, शायद आपको आवाज़ ना पा रही हो क्योंकि थोड़ा नॉइस की वजह से, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सीट ओपन का, ठीक है। एक वैसे बीट कर रहा है, शायद आप सुन पाओ ये। बाकी इधर आ जाते हैं क्योंकि शोरूम के बाहर जनरेटर चल रहा है, इस वजह से थोड़ी नॉइस आ रही है। आगे हम लोग ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो जो हमारा जो ये यहाँ पे बूट स्पेस हमें देखने को मिलता है विद यहाँ पे लाइट के साथ, ठीक। यहाँ पे आपको एक बॉक्स, आप कुछ बताना चाहोगे पूरी भाई? ये आपको इसमें पहली बात तो ऑनबोर्ड चार्जर मिल जाता है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्ट चार्जिंग रहती है इसमें आपकी, साढ़े तीन घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, और आपका 126 किलोमीटर आपका रेंज रहता है इसकी। ये आपका इसमें चार्जर दे रखा है, यहाँ पे फास्ट चार्जिंग दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको चार्जर वगैरह मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग रहती है आपकी प्रीमियम में, आपको अर्बन में मिल जाती है, और ऑटो कट आपका मिल जाता है, मतलब चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद आपका ऑटो कट ऑफ हो जाता है आपका चार्जर, ठीक है। बाकी आपको इसमें स्पेस ज़्यादा मिल जाती है आपकी अर्बन और 2901 के मुकाबले। जरा अब हम लोग थोड़ा लाइटों के बारे में बात, इसमें बैटरी कितनी अवेलेबल है, एक या दो? दो बैटरी अवेलेबल, दो है। और मोड्स आपके, जैसे आपके दो मोड्स अवेलेबल है, स्पोर्ट्स मोड है आपका और इको मोड है। अच्छा, और आपका रिवर्स मोड भी इसमें आपको मिलता है, रेंज 140 तक पैक मिलेगा, फुल चार्जिंग पे 114 किलोमीटर जाता है, फुल आपका चार्जिंग हो जाएगी तो आपको 126 किलोमीटर रेंज आपकी। अच्छा, फुल भी आप इको मोड पे अगर आप यूज कर रहे हैं तो कंटिन्यू, तो आपके 126 स्पोर्ट पे थोड़ा ज्यादा खाएगी, स्पोर्ट्स पे आपका 110 किलोमीटर के आसपास के लिए हो सकता है आपको प्रोवाइड करें, अगर आप रेगुलर परमानेंट आप चला रहे हो उसको। थोड़ा लाइटिंग वगैरह बता दें, फ्रंट की जो लाइटिंग है कैसी है और रेयर की कैसी लाइट है, और फ्रंट इसका लाइट वगैरह का बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका इसमें साइड स्टैंड जब तक लगा रहेगा तब तक आपका इसमें स्टार्ट नहीं होगा आपका इसमें, तो आप देख सकते हैं जब तक आपका साइड स्टैंड लगा रहेगा, आपका जब तक सीट ओपन रहेगी तब तक आपका यहाँ पे मेंशन करता रहेगा। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पहले यहाँ पर साइड स्टैंड हटाना पड़ेगा सबसे पहले तो स्कूटर का, देखिए हमारा साइड स्टैंड हट गया, अब आप यहाँ पर स्कूटर देख सकते हैं, यहाँ पे पुश शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आप फ्रंट पे आ जाइए, आपको मैं दिखाता हूँ लाइटिंग, ये लो हाई बीम के वर्क कर रहा है, जैसे कि भाई जरा लो के लिए कीजिए, ये लो बीम के लिए, और हाई के लिए कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और एक बार हमें इंडिकेटर दिखा दीजिए कि कैसे इंडिकेटर से अवेलेबल है। सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इंडिकेटर आपका लेफ्ट साइड का, अगर आपको इंडिकेटर देना है तो आपका लेफ्ट में है, राइट का इंडिकेटर देना है तो आपका राइट में है। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अगर आपको जैसे लेफ्ट टर्न लेना है, आपने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर यहाँ पे दे रखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक बार फ्रंट पे आ जाइएगा। अच्छा, ये मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया, इसको सीधा करता हूँ। तो गाइस जैसे कि कारों में आप लोग देखते होंगे कि गाड़ी आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं और जैसे आप सीधे आते हैं तो अपने आप कट आउट हो जाता है, उस तरीके से आपको इस स्कूटर फीचर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग टेल लाइट के बारे में बात करें तो टेल लाइट में भी हमें काफ़ी खूबसूरत LED लाइट वगैरह देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से, जो आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे से ब्लिंक हो रही है। वही हमें यहाँ पर नंबर प्लेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर रिफ्लेक्टर लाइट के साथ नंबर प्लेट के ऊपर आपको एक रिफ्लेक्शन लाइट देखने को मिलेगा विद LED लाइट के साथ। फुटरेस्ट की बात कर लें, हाँ इसकी भी, और यहाँ पे अगर बात कर लें तो फ्रंट फुटरेस्ट हमें जो रेयर बंदर के लिए यहाँ पे फुटरेस्ट देखने को मिलेगा। ड्यूल टर्न में आपको सीट देखने को मिल जाती है कलर में, चौड़ी सीट है आपकी अर्बन और 2901 के मुकाबले आपकी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल आपकी और काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल सीट आपको उसमें मेंशन मिल जाती है। बाकी अगर हम लोग नीचे आ जाते हैं तो टायर देख सकते हैं, एक आपको 90x90 का 12 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा, अच्छे ग्रिप फॉर्मेट में और विद
यहाँ पे आपको डिस्क के साथ। भाई अगर हम लोग रेयर में बात कर लें तो हमें कुछ इस तरीके से टायर देखने मिलेगा, वो भी आपको इसमें भी प्रीमियम आपको डिस्क देखने मिल जाएगा। यहाँ डिस्क लगा है इसमें, डिस्क नहीं है सिर्फ आपको, बाकी आपको इस स्कूटर में मोटर देखने को मिल जाएगा। और बाकी मोड्स का बता देता हूँ कि मैं आपको स्कूटर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। साइड हटाने के बाद ये देखिए, अभी आपका बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में नहीं है। अब एक्सेलेरेटर दिखाइए, अब इसमें बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में नहीं है। यहाँ पे आपका न्यूट्रल दिखा रहा है, न्यूट्रल मेंशन है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे आपको ब्रेक यूज करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे ड्राइविंग मोड है, पट्टी मेंशन कर रखा है, आपको उसको ये यूज करना पड़ेगा। ये आपका तुरंत आ गया न्यूट्रल से ड्राइविंग मोड पे, अब ये स्कूटर आपका वर्किंग कंडीशन में आ गया। ये देखिए जी जी मूव हो रहा है। दूसरी चीज आपकी अभी ड्राइविंग मोड पे है, इको मोड ही आपका मेंशन कर रखा, जो मैंने आपको फर्स्ट मोड बताया था इको मोड। उसके अलावा आपको अगर स्पोर्ट मोड चाहिए आपको, तो आपको दोबारा ब्रेक दबाना है, दोबारा डी दबाना है, ये आपका आ गया स्पोर्ट मोड। चलते चलते नहीं होगा, चलते चलते भी होगा आपका, मतलब अच्छा। आपको हल्का सा ब्रेक लेना है, ये नहीं है कि आपको एकदम से यूज करना है, हल्का सा ब्रेक लेके आप डी करेंगे, जैसे गियर चेंज होता है उस तरीके से। और आपको रिवर्स भी यूज करना है तो सेम प्रोसेस आपका रहेगा, ब्रेक दबा के ये आपको हाथ थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। ये आपका आ गया देखिए रिवर्स मोड, जी जी बिल्कुल, ये आपका रिवर्स मोड आ गया। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपको इसमें इंक्लूड मिल जाते हैं चेतक के साथ। रिवर्स में एक बार थोड़ा मूव कीजिए हल्का सा, आप थोड़ा सा बैक स्पीड कर सकते। ठीक है ठीक है, और एक बार हॉर्न सुना देते हैं। सो गाइस, ये था हमारा कंप्लीट रिव्यू, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, फीचर्स जितने अवेलेबल था इस स्कूटर में हमने पूरा फीचर्स बताया। हमारे भैया पूरी भैया ने जो बजाज शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। हो सकता है कि मतलब जो शोर शराबे की वजह से थोड़ी सी डाउन रह गई हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन उन्होंने काफ़ी बेस्ट दिया, काफ़ी अच्छा लगा। और वाकई अगर अगर आप इनके इन्फॉर्मेशन अगर आप सुन रहे होंगे तो काफ़ी बेस्ट इन्होंने दिया है। बाकी ये जो स्कूटर प्रेजेंट है लखीमपुर खीरी में शोरूम बजाज शोरूम है, और शोरूम का नाम है US बजाज, जो कि नियर LRP चौराहे के पास है। शोरूम का डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको इस स्कूटर के बारे में प्राइस जानना है ऑन रोड प्राइस, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव का कॉन्टैक्ट नंबर, आप डायरेक्टली उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको जैसे कोई आप सामान वगैरह आप जैसे लेके यूज के लिए जाना चाह रहे हैं, बैठे उसके लगभग 3 किलो वेट के आसपास आप यहाँ पे इसका कैरी कर सकते हो फ्रंट। अच्छा, यहाँ पे 3 kg मैक्सिमम लिखा भी हुआ है, तो ये एक अच्छा यहाँ पे फीचर हमें देखने को मिल गया कि यहाँ पे आप टैग कर सकते हो। बाकी गाइस, अगर आपको मेरी हमारी मेहनत दिखी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग फ्रॉम मोटर टॉक।